ट्रेन के कटने से एक युवक की मौत, जीआरपी पुलिस ने सदर अस्पताल में कराया पोस्टमार्टम। ट्रेन के कटने से एक युवक की मौत हो गई, जिसका सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। जानकारी के मुताबिक बताया जाता है कि मंगलवार को अहले सुबह मोहनिया ओवर ब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर एक युवक का शव मिला, जहां आसपास के लोगों का काफी भीड़ जुट गई। इसके बाद सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वही मृतक रोहतास जिला के सासाराम तकिया रौजा निवासी स्वर्गीय रामनाथ चौधरी के पुत्र सोनू चौधरी, उम्र 25 वर्ष बताया जाता है। वही मृतक के साला अजय कुमार ने बताया कि सोनू चौधरी लगभग 2 वर्ष से मोहनिया वार्ड 5 में ससुराल में रहते थे। ट्रेन की वजह से घटना हुआ, कैसे इनकी मृत्यु हुई? ट्रेन से। अच्छा, क्या करते थे, कहाँ रहते थे? मोहनिया रहते थे, इनका घर सासाराम है, जो कि अपने फैमिली के साथ अपना मतलब मोहनिया ही रहते थे। अच्छा, क्या करते थे मोहनिया? मजदूरी वगैरह। अच्छा, तो कहाँ इसका शव मिला था? सुबह में ट्रेन के पटरी के बगल में। कैसे सूचना मिला इनके फैमिली को? जीआरपीएफ आए थे वहाँ से, और उनके माध्यम से हम लोग के गांव के बगल में सब गया देखने पूछने, तो उन लोगों के जरिए से पूछे, पता किया, तो फिर लोगों ने पहचाना, फिर हम लोग पता चला। तभी पोस्टमार्टम के लिए ले गए। क्या नाम है मृतक का? सोना चौधरी। कितना उम्र होता होगा उनका? 20-25 के बीच। आपके क्या नाम है? अजय कुमार। उनकी शादी भी होगी? हाँ, शादी शुदा है। क्या नाम है उनका पत्नी का? माया देवी। इनका घर कहाँ है? सासाराम में। यहाँ क्या करते थे? यहाँ पर अपने फैमिली के साथ रहते थे। जहाँ मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, वहीं आज सुबह 6 बजे रेलवे ट्रैक पर शव बरामद किया गया, जिसका सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। आगे जानकारी देते हुए बताया गया कि सोनू कुमार की पत्नी का नाम माया देवी है, जिसकी एक पुत्री सोनम कुमारी 3 वर्ष की है, जहां जिला प्रशासन से मुआवजे को लेकर मांग भी की गई है। खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।